हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत होगा। इस फाइनली आपका कैप राउंड टू का अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। जैसे कि आपको पता है, आज 3 तारीख है, आज हमारा कैप राउंड टू का अलॉटमेंट डिक्लेयर होने वाला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि सुबह से अभी तक वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपका वेट खत्म हो चुका है, आपका अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुका है। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारी एडमिशन की डेट है यहाँ पे, जो भी हमें इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, वो 4 से 6 तारीख के बीच में। आज आपका 3 तारीख को अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुका है, एडमिशन की डेट आपका 4 से 6 तारीख है। अलॉटमेंट होने के बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है गाइस, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो में एक भी पार्ट मिस करते हो तो आपका ही नुकसान है। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था, सेम कॉलेज कैप 2 में भी अलॉट हुआ है, वरना ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको कैप राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, कैप 2 में अलॉट हुआ है। तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा स्टेप बताने वाला हूँ, क्या क्या आगे प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट मिल जाती है एडमिशन की 4 से 6 तारीख तक। तो यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट है, एक को यहाँ जो कैप 2 में कॉलेज अलॉट हुआ उसमें एडमिशन लेना है, और एक को बेटरमेंट के लिए जाना है। तो हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बेटरमेंट के लिए जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, हर स्टूडेंट बेटरमेंट के लिए जा सकता है यहाँ पे, जिनको कैप 2 में कॉलेज अलॉट हुआ है या कैप 2 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फिर भी वो बेटरमेंट के लिए यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 से 6 तारीख दी गई है यहाँ पे डेट। तो सबसे पहले आपको सिटी सेल की वेबसाइट पर चले जाना है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए जो भी आपको कैप 2 में अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे जाके आपको सिंपल सा फ्रिज करना है, फ्रिज का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 4 से 6 तारीख यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया इंस्टीट्यूट का। आपको 4 से 6 तारीख के बीच में कभी भी कॉलेज आपको जाना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे फीस पे करना है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जिनको बेटरमेंट के लिए जाना है, तो मैं तो कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए, जैसे थर्ड ऑप्शन भी है हमें कैप राउंड 3 का, तो एक और चांस अप्लाई करके देखना चाहिए कि और कौन सा बेटर कॉलेज मिल सकता है। तो मोस्टली हर स्टूडेंट को बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए। तो कैप 1 के बाद जो भी आपने प्रोसीजर फॉलो किया था बेटरमेंट का या फ्रीज का, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आपको कैप 3 के लिए जाना है, तो यहाँ पे आपको बेटरमेंट करना है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है कॉलेज का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अलॉटमेंट लेटर में यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर मिल जाएगा, मतलब जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज के कोऑर्डिनेटर का आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। और जिनको बेटरमेंट के लिए जाना है, सिंपली सा उनको क्या करना है, उनको वेबसाइट पे जाके बस बेटरमेंट पे ऑप्शन क्लिक करना है, बाकी कोई भी प्रोसीजर नहीं है। और जिनको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है फ्रीज करने के बाद। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कैप 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने 1000 रुपीज़ यहाँ पे किया था, तो उनको कैप 2 में यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करना है। और जिनको कैप 1 में एडमिशन नहीं मिला था, मतलब एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो उनको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना है। तो एक और बार आपको बता देता हूँ, जिनको कैप 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था, जिन्होंने वहाँ पर 1000 रुपीज़ पे किया था, तो उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ 1 टाइम पे करना होता है 1000 रुपीज़। और जिनको कैप 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, उनको यहाँ पे करना है 1000 रुपीज़। अगर आपको कैप 2 में भी कोई और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो भी आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, आपको कैप 3 में यहाँ पे करना पड़ेगा। और भी जो भी आपको बेसिक डाउट है, मैं वीडियो के एंड में आपके सब डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कल से आपका एडमिशन चालू हो जाएगा 4 से 6 तारीख के बीच में, तो आपको 3 ही दिन का टाइम मिला है। जो भी बहुत दूर होते हैं, उनको दूर का कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे बहुत सारे नागपुर, वर्धा या अमरावती, जो भी पुणे में शिफ्ट होने वाले, मुंबई में शिफ्ट होने वाले या मुंबई के पुणे में जाने वाले, तो आपको 3 ही दिन का टाइम मिला है। आपको एक ही बार यहाँ पे आना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर मिल जाएगा कॉलेज का, तो आपको जो भी डाउट है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको सिंपली क्या करना है, कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे आपको कॉलेज की फ़ीस पता चल जाएगी, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको वहाँ पे फ़ीस पता चल जाएगी। और सेम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, हर एक डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है, और साथ ही में आपको 2-3 जेरोक्स कॉपी भी साथ में लेके जाना है, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर लगेगा। और पॉसिबल हो तो 1500 रुपीज़ कैश लेके जाना, क्योंकि एडमिशन फॉर्म वहाँ पे 1500 रुपीज़ का, जो कि मोस्टली लोग कैश ही लेते हैं। तो अगर कोई भी कॉलेज के आसपास बैंक वगैरह नहीं रहेगा, तो आपको फालतू में भागना पड़ेगा, इसलिए ऑलरेडी पहले से आप मतलब 1500 रुपीज़ कैश लेके जाना एडमिशन फॉर्म के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिया। ये जो डॉक्यूमेंट है, हर एक कैटेगरी के लगने वाले। सबसे पहले आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लगेगा, जो कि आपने सिटी सेल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। फिर सेकंड, आपका MSc CET या JEE मेंस का स्कोर कार्ड, जो भी जिसके थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, जो भी आपने अपलोड किया था।
फिर आपका 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट लगने वाला है, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल लगेगा, उसके बदले अगर आपने अपना LC अपलोड किया तो वो आपने आप यहाँ पे दिखा सकते हो, फिर आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट में आप LC दिखा सकते हो, और साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है। तो ये सभी कैटेगरी के लिए था। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ रिजर्व कैटेगरी अलग अलग से डॉक्यूमेंट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप देख सकते हो किन किन कैटेगरी को यहाँ पे लगने वाला है, कास्ट वैलिडिटी भी देख सकते हो, नॉन क्रिमिनल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक कैटेगरी का नाम आगे मेंशन किया गया है। अगर आपका TRWS के थ्रू एडमिशन होता है तो बाकी वो पूरे डॉक्यूमेंट और साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका EWS के थ्रू एडमिशन होता है तो बाकी वो पूरे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले स्लाइड में मैंने बताया, अभी बाद में आपका EWS का सर्टिफिकेट जो भी आपने अपलोड किया था। और अगर आपका माइनॉरिटी के थ्रू एडमिशन होता है किसी माइनॉरिटी कॉलेज में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका मदर टंग सर्टिफिकेट, मतलब आपने अगर LC अपलोड किया था या कुछ भी जो भी अपलोड किया था वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। फिर अदर कैंडिडेट का भी आप देख सकते हो, मतलब जो OMS कैंडिडेट है उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फिर जो डिफेंस कोटा के PWD कैटेगरी के जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट है या यहाँ पे और भी टाइप के कैंडिडेट है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ में 2-3 जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉलेज के फीस से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है फीस कैसे पे करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे दो मेथड से यहाँ पे फीस पे कर सकते हो। सबसे पहले जब आप कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे आपको फीस स्ट्रक्चर में आपकी कैटेगरी के हिसाब से फीस आपको देखने मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको पेमेंट के दो मेथड मिल जाते हैं, एक आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, दूसरा आपको स्कैनर या UPI के थ्रू। जब आप कॉलेज वाले को कॉन्टैक्ट करोगे कोऑर्डिनेटर को तो आपको बता देंगे, अगर UPI का ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हो UPI के थ्रू। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना चाहते हो, मतलब जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे फीस के साथ वहाँ पे कॉलेज का नाम भी दिखा देगा, मतलब जिस नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो उस नाम पे आप पहले से ऑलरेडी यहाँ से बना के लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे कहाँ बनाओगे, तो बैंक से ही बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता डिमांड ड्राफ्ट, तो उनके लिए ये आपको अपनी बैंक से ही बना के लेके जाना है, जो भी आपका चेक के थ्रू बनता है। तो आपकी बैंक जहाँ भी है आपको वहीं बैंक से अपने बना के लेके जाना है। कैश मतलब मोस्टली कॉलेजेस में कैश नहीं लेते, क्योंकि आपको ही पता है फीस 1-1.5 लाख होती है, तो कैश उतना ज़्यादा वो नहीं लेंगे, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पे कर सकते हो या स्कैनर के थ्रू पे कर सकते हो। पहले कॉलेज वालों को कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, अगर UPI का ऑप्शन है तो आप UPI के थ्रू वहाँ पे कर देना। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब पूछ रहे थे कि एक ही बार में पूरी फीस पे करनी है और फीस कब पे करनी है, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, जैसे 3 दिन की डेट है 4 से 6 तारीख तक, जब एडमिशन के लिए जाओगे उसी टाइम आपको पूरी फीस पे करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको कन्विंस कर सकते हो, लेटर वगैरह लिख के दे सकते हो कि हमें 2 इंस्टॉलमेंट भर देंगे 3 इंस्टॉलमेंट भर देंगे, जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम आप उनके बताओगे तो उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि कितने इंस्टॉलमेंट में आपको भरना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना भरना है, या तो मोस्टली आपको पूरा ही फीस मांगेंगे एक ही बार में। अगर पॉसिबल नहीं है तो रिक्वेस्ट कर लेना उनसे, वो आपको गाइड कर देंगे पूरा। और यहाँ पे और भी स्टूडेंट को बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था, मतलब जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, NT कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको ओपन की सीट मिली या OBC वाले को SC ST की सीट मिल गई। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपको दूसरी कैटेगरी की सीट यहाँ पे शो करती है कि आपको दूसरी कैटेगरी की सीट मिली, तो आपको उस कैटेगरी की फ़ीस नहीं लगेगी, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको अपनी कैटेगरी की फ़ीस यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो, एक स्टूडेंट है उसकी कैटेगरी OBC है, लेकिन उसको सीट यहाँ पर ओपन की अलॉट हुई है, तो उसको जो फीस लगेगी OBC की लगेगी, उसे ओपन की फ़ीस नहीं भरना है। और आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी मतलब फ़ीस उतनी नहीं है भरने के लिए, मतलब उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो एक आप काम कर सकते हो, आप CAP 3 के लिए भी जा सकते हो बेटरमेंट के लिए, तो आपको थोड़े दिन और मिल जाएंगे। पहले CAP 3 के लिए जाओगे तो थोड़े दिन और मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट होगा CAP 3 के लिए जाएंगे तो वापस लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपके कम परसेंटाइल है तो आप टॉप कॉलेजेस ऐड कर दो, या कोई भी कॉलेज ऐड मत करो, मतलब टॉप कॉलेज COB विजिट या डाल दो, तो आपको कॉलेज कोई अलॉट नहीं होगा, सेम जो आपको CAP 2 में अलॉट हुआ है सेम कॉलेज वापस अलॉट हो जाएगा। तो थोड़ा दिन ऐसे आपको मिल जाएगा, 4-5 दिन या 6-7 दिन, तो आप एडमिशन ले सकते हो जाके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको डाउट रहता है, मतलब CAP 3 के लिए गए तो ये कॉलेज चला जाएगा दूसरा अलॉट हो जाएगा। तो सिंपल एक काम करो, जो कॉलेज नहीं मिलने वाला जिनका कट ऑफ ज़्यादा है वो कॉलेज ऐड कर दो ऊपर। मेन कैसे आपको टाइम मिल जाएगा फीस अरेंज करने के लिए, वरना बहुत सारे स्टूडेंट है जो नागपुर से पुणे जाने वाले या और भी जगह से पुणे जाने वाले हैं, तो उनको अगर टिकट वगैरह नहीं मिल रही तो उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको अभी भी कुछ भी डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कुछ भी डाउट है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके बता देना, मैं आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।